आज चुनौती दे दी नितिन गडकरी जी ने, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। लास्ट दो सवाल लेते हैं पब्लिक से, दो सवाल। हिंगना नाका से वाना डोंगरी तक जो भी रोड है वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है अभी तक ऑन नहीं हुए हैं, वहाँ पे काफी एक्सीडेंट होते हैं। एक बार नागपुर, मेरा ही हो गया। नागपुर के बहुत लोकल सवाल है, स्ट्रीट लाइट, सड़क, तो ये सवाल है। अच्छा सवाल है आपका सवाल। मेरा सवाल था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब तो घट गए और कल रात को घटे हैं इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एलपीजी जो गैसेस है वो अबव 1000 मिलते हैं। मैं आपको इससे ऊपर भी और फायदे की बात बताता हूँ। और जो डेली यूज के जो मैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करता हूँ, फिर 100% टोयोटो की इनोवा गाड़ी बायो इथेनॉल पर यूज करता हूँ, जिसमें 60 रुपए लीटर इथेनॉल का भाव है, पेट्रोल का 120 रुपए है। वो जो इनोवा है वो 60% बिजली तैयार करके चलती है और 40% इथेनॉल पे चलती है, तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर होती है। फिर मैं हाइड्रोजन पे गाड़ी चलाता हूँ जो मेरे पास है, इसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर, जापानी वर्ड है। अब मेरा आप सबको आह्वान है कि अब हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, इसके आधार पर आप हाइड्रोजन पे काम करिए। उसमें हाइड्रोजन 3 प्रकार का है आपके पास, अभी ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, पेट्रोलियम से ब्राउन, और जो पानी और बायोमास से बनता है वो ग्रीन। तो आप ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करिए और आपके कॉलेज में इलेक्ट्रिक पर अभी चार्जिंग स्टेशन बनाइए, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार यूज करिए। अगर आप 20,000 रुपये महीने का पेट्रोल पे कार पे खर्चा करते होंगे तो इलेक्ट्रिक का खर्चा केवल 2,500 रुपये आएगा। तो पेट्रोल से और आपको भी अगले चुनाव से पहले पेट्रोल के दाम गिराने की जरूरत नहीं, नहीं, मुझे तो मेरा सपना है पेट्रोल डीजल को समाप्त करना ही देश। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा सबसे टचिंग टू माई हार्ट ऐसा विषय है और मुझे खुशी है कि अब ये बहुत पॉपुलर हो गया। मैं खुद, आप जितने लोग बैठे हैं जिनके पास स्कूटर होगी जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, जिनके पास कार है जो कार यूज कर रहे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं आपके सबके गाड़ियों में मैंने तैयार किया हुआ 10% 20% इथेनॉल डाला हुआ। मैं ग्रीन फ्यूल के पक्षधर हूँ और आप भी ग्रीन करिए, अभी ये पेट्रोल डीजल को बने तक यूज मत करिए।